नमस्कार, मैं आपके साथ के किराणा एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र की राजनीति में शिफ्ट हो गए हैं। मोदी कैबिनेट में उन्हें दो अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली है, इसमें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय है। विभाग बंटवारे के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने तुरंत अपने विभाग के अधिकारियों को एमपी भवन बुलाया है। एमपी भवन में उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। मंगलवार को उन्होंने कृषि मंत्रालय में जाकर कार्यभार भी संभाल लिया। इसके बाद अधिकारी और कर्मचारियों से बात की। शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को अपना रोडमैप बता दिया है। अधिकारियों के साथ मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सौंप दी है, साथ ही कई अहम निर्देश दिए गए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। अभिनव, शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला और जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला तो वो एक्शन में भी आ गए, तो आखिर किस किस तरह के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं? अभिनव जी, कहिए। मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 17 साल से ज्यादा समय तक मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री रहते, उससे पहले वो 5 बार सांसद भी रह चुके थे और एक बार सिक्सर मारकर 6वीं बार सांसद बने शिवराज सिंह चौहान। लेकिन एक खास बात आपको बता दूं, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पहली बार बनाया गया शिवराज सिंह चौहान को, और साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही अहम जिम्मेदारी सौंपी उनको, क्योंकि भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है, देश की ज्यादातर आबादी गांव में ही निवास करती है, तो महत्वपूर्ण मंत्रालय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को सौंपी है। शिवराज सिंह चौहान भी खुद मूलतः एक कृषक परिवार से ही आते हैं, तो कृषि और कृषि की बारीकियों को वो अच्छे से समझते हैं शिवराज सिंह चौहान। इसी का नमूना दिखाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बता दिया है, जैसे ही उनको पोर्टफोलियो मिला है मंत्री पद की शपथ के बाद, वो तुरंत एक्शन मोड में आ गए थे। वो इस समय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश भवन में, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बैठक के लिए बुला लिया था और उनसे मेल मुलाकात की थी, और साथ में आज जब पदभार ग्रहण किया है कृषि मंत्री के तौर पर और ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर, तो आज उन्होंने सभी स्टाफ से सामान्य परिचय किया है और उनको अपनी प्राथमिकता भी बता दी है, रोड मैप भी बता दिया, और उन्होंने और मोदी को जो उन्होंने गारंटी दी और मोदी ने जो उन्हें गारंटी दी वो भी अफसरों को बता दिया है। यानी कुल मिलाकर कैसा होगा आने वाला रोड मैप कृषि विभाग, बिल्कुल क्या अभिनव इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले ही 100 दिन का रोड मैप तैयार किया था कि 100 दिन के डे प्लान में आखिर क्या कुछ होगा, उसमें शिवराज सिंह चौहान के पास आखिर 100 दिन के डे प्लान में क्या कुछ है? जी, क्या मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बाद पहले ही 100 दिन का आगे 100 दिनों का रोडमैप बता दिया था, तो फिर सरकार भी बनी। हालांकि वो गठबंधन की सरकार बनी, एनडीए की, बीजेपी की तो सरकार नहीं बनी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को पहले ही बता दिया था आगामी 100 दिन का एक्शन प्लान। तो मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने सबसे पहला जो डिसीजन लिया, उन्होंने किसानों के हित में ही डिसीजन लिया और किसानों को जो केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाती है वो राशि जारी करी। यानी किसानों को साधने की, और किसान कितने महत्वपूर्ण हैं इस नरेंद्र मोदी के लिए, ये उन्होंने जता दिया है। यानी जो कैबिनेट का पहला फैसला रहा था मोदी कैबिनेट का, मोदी 3.0 में, तो सबसे पहला किसानों को जो अनुग्रह राशि दी जाती केंद्र सरकार द्वारा वो जारी कर दी है। तो मोदी ने अपने इरादे साथ जता दिए, साथ में उनका साथ देने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अभिनव आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।